ये हमारा कैटेगरी था, समझ रहे हो, ये हमारा कैटेगरी था। तो मैंने जब 48% लाया प्लस स्कूल के वो पीटीवीटी मिला करके 5-6%, टोटल बना 56, 48 वाज बोर्ड। सो मैंने जब आया रिलेटिव वाज लाइक तू सी ये करेगा, हम स्कॉलर से ये करते हैं, डिमोटिवेट किया। मैं यू नो आईपीसी हमारे टाइम आईपीसी होता था, आईपीसी में फाउंडेशन तो लग था, रिजल्ट अच्छा लगा ना, तुम्हें भी ये सुनने को मिला होगा इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा आया ना, तेरे बच्चे को भी करा देती उल्टा कमी करवाके तो देख, कुछ तो में किसी ने किया है समझ आएगा, करवाके तो देख कितना लग काम करता है, इतना इजी लगता है यार लोगों को, दे सिंपली लग था ना हो गया। इस बार तो पेपर में इजी आए थे, हाँ तूने लिखे थे ना, तुम इंटर पास हो, मैं इंटर पास हो गया, इंटर पास होने के बाद फाइनल में गया, हाँ अच्छा है, मतलब अटेंड लगे ना कोई बात नहीं, हो जाता है मतलब यू नो बच्चा हो ही जाता है अल्टीमेटली, सी कॉलेज नहीं है, सेमेस्टर नहीं है। फाइनल पास हुआ, फाइनल पास होने के बाद दे वाज लाइक होशियार तो तू हमेशा से ही था, तू भी करेगी, ये होगा तुम्हारे साथ भी होगा, और साला इतना बैंगवान करना ना, एक बात मेरी याद रखो मेरे बच्चा, परसेंटेज तुम्हारा स्किल कभी डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है, और एक पेपर दैट इज योर मार्कशीट कैन नेवर डिसाइड वेयर यू कैन गो इन लाइफ, यस वेयर यू कैन गो इन लाइफ। 48% पे अगर मैं ये उम्मीद छोड़ देता कि यार मैं कुछ बन सकता हूं, तो शायद मैं कभी यहां पर नहीं पहुंच पाता, मैं कभी यहां पर नहीं पहुंच पाता। एक चीज जो तुम्हारे को तुम्हारे लाइफ में लीड करने के लिए चाहिए ना, वो है खुद पे भरोसा, कि साला कोई और भरोसा करे ना करे, तुमने अपने ऊपर भरोसा करना और एक विजन लेकर के आगे बढ़ना कि साला मेरे को यहां तक तो पहुंचना ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, पहुंचना ही है, उसके लिए पागलों जैसी मेहनत करनी पड़ती है। गिवन अ चांस किसी को मेहनत करने के लिए मजा नहीं आता, गिवन अ चांस किसी को मजा नहीं आता। अब तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो यू नो मेरा लाइफ सेट है, मेरे हिसाब से देखा जाए सारा सीए बनने के बाद भी पढ़ ही रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से मेरा लाइफ सेट है, मेरे हिसाब से सारा सीए बनने के बाद भी रोज सुबह उठता हूं तो 5:30 बजे ही पढ़ रहा है, समझ रहे हो। बट हाँ एक बात याद रखे, लाइफ की जर्नी में ना आपके और मेरे हर एक के कुछ गोल्स है, और ये गोल्स हमें अचीव करने होंगे, राइट, वी ऑल आर इन द सेम गेम बट एट डिफरेंट लेवल्स, ये बात समझ के, मैं आपसे शायद 5-7 साल आगे हूं, आप मेरे से 5-7 साल पीछे होंगे, लेकिन एक बात का एश्योरेंस मैं जो आज आपको दे सकता हूं ना, ये कोर्स मिनिमम में इतना मैक्सिमम देगा कि तुम परेशान हो जाओगे, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि तुम परेशान हो जाओगे कि साला पैसा तो है मैं इसको खर्चू किधर, ईमानदारी से मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बोल रहा हूं, आप खुद परेशान हो जाओगे अब तक खर्चू किधर, पहली बात खर्चने के लिए चाहिए टाइम जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं रहेगा, तो तुम्हारा दिन भर, अरे मेरे को एक बात बताओ, तुमने इधर इधर बैठे के कुछ भी कैलकुलेट कर लिया, बैठा तो मैं सुबह 7-10 पेस्टीज पे खा, तो मैं 7-10, जरा ध्यान से सुनना, एक ध्यान से सुनना, मोटिवेशन वाला पार्ट दे रहा हूं, बहुत जरूरी है, और जितने जल्दी दूं उतना अच्छा। सर क्या होता है कि आपकी इच्छा है, सी एज ए यंगस्टर हमारी इच्छा क्या होती है सोच के देखो, एज ए यंगस्टर हमारी इच्छा क्या होती है, हमारे पास एक यू नो स्वैंकी मोबाइल होना चाहिए, हाइट पकड़ लो 1.5 लाख रुपए पकड़ लिया मोबाइल का, या एप्पल या सैमसंग का Z Fold 1.5 लाख रुपए सबसे हाईएस्ट। अपने पास और क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एप्पल का लैपटॉप पकड़ लिया 1.5 लाख रुपए, टोटल कितने हो गए 3 लाख। अपने पास क्या चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, 1 लाख रुपए जोड़ दो ब्रांडेड कपड़े के, 2 लाख जोड़ दो, 5 लाख, ठीक है। ब्रांडेड जूते चाहिए, 10,000 के जूते पहन लोगे, हाँ 80,000 के जूते पहन लोगे, 1 लाख के, हाँ आते हैं ना, क्या तकलीफ है, जोड़ दो 1 लाख और, 6 लाख, 1 लाख का जूता पहनोगे, सब तरीके का जूता चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्राउन चाहिए, स्नीकर्स चाहिए, यू नो लोफर चाहिए, सब कैटेगरी का एक एक उठा के लेके आएंगे अपन, 1 लाख जोड़ दो इसमें, ठीक है। परफ्यूम ले लोगे, 50,000 के परफ्यूम जोड़ दो, 50,000 के परफ्यूम जोड़ दो, एक ही बॉटल आएगी, आएगी तो सही ना, ठीक है। 20,000 के बेल्ट जोड़ दो, हर कलर का एक चाहिए, जोड़ो ना, हाइएस्ट कॉस्ट पे जोड़ते रहो, कितना हो गया 76, बराबर है। एक अच्छी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, 4 लाख जोड़ दो, BMW की स्पोर्ट्स बाइक ले ली, 4 लाख जोड़ दो, पांच बाय 10 पे 11 लाख, ठीक है। और क्या चाहिए, एक अच्छा सा लेदर बैग चाहिए, जब ऑफिस जाओ तो एक अच्छा सा लेदर बैग चाहिए हाथ के अंदर में, 10,000 और जोड़ दो, बराबर है। एक वॉच चाहिए, 50,000 और जोड़ दो, रोलेक्स की उठाई तुमने बेसिक वाली, बराबर, कितने पे पहुंचे, 12 पे पहुंचे। एक अच्छा हेयर कट दोगे, ऐसे झिपरी जैसे थोड़ी ना होगे वे, एक अच्छा हेयर कट दोगे, अब वो नाई के पास तो जाओगे ना जो पीपल के पेड़ के नीचे काट रहा है बाल, बराबर, 1,500 रुपए उसके भी जोड़ दो। अब पहली बार सीए बने, अपने मम्मी पापा के लिए भी एक गिफ्ट लोगे,
ठीक है, 50,000 उसके जोड़ दो, पप्पा के लिए सूट लेके आया, मम्मी के लिए साड़ी लेके आया, फिर वो अपने भिख मंगे भाई बहन अरे भिख मंगे भाई बहन जिसे है ना सीए बनी भिख मंगे भाई बहन नहीं है अपने तो छोटे वाले जिनको तो पहले गलती भी किया है बोले तुम अपने छोटे भाई बहन को बोलते होते तो बेटा उठा के लाए हैं, हाँ हाँ वही वाले, उनके लिए भी 50,000 का कुछ खरीद लिया, बराबर हो गया, और 5,00,000 रुपए ETC, और 5,00,000 रुपए जोड़ दो ETC एवरी ईयर, ठीक है, कितने पे पहुंचे एवरेज पैकेज अटेम्प्ट लगाने के बाद भी आज है 9,00,000 रुपए का। तुम्हारे जितने सपने तुम आज देख रहे हो 2 साल में कंप्लीट है, अब बोलो क्या? कार और घर, ये 2 चीजें और आ गई, कार और घर जोड़ दो इसके अंदर में, उसका तुम पे करोगे EMI 15 साल के लिए, मैक्सिमम EMI 1,00,000 रुपए जोड़ डालो, बहुत हो गया 3,00,000 रुपए जोड़ डालो, स्टिल एवरी ईयर यू आर अर्निंग 9 to 10 lakh rupees। 5 साल बहुत हो गए सब खत्म करने के लिए, जिसमें मैं समझ रहा हूँ 9 लाख ही तुम कमाओगे एवरी ईयर, बट ऐसा होगा नहीं, तीसरे ईयर से तुम्हारा इनकम पर मंथ 1 लाख के ऊपर चालू हो जाएगा, ये मेरा गारंटी, 1,00,000 रुपए पर मंथ के ऊपर तुम अर्न करना चालू कर दोगे, 12,00,000 15,00,000 रुपए रैंक वगैरह में आ गए तो ये पैकेज सीधा 17-18 लाख रुपए पहले साल से। 5 साल के बाद ना तुम परेशान हो जाओगे, अब मैं इसका करूं क्या, तुम्हारे जितने बेसिक सपने हैं ये तो सब पूरे हो गए, फिर तुम सोचोगे आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना है, लड़के 1 लाख बहुत हो गए जिसको नहीं समझा पोगो आस्था, वह 1 लाख बहुत हो गए, जाना आना 2 बार जाके तुम कहा जाओगे, नेपाली ना, तुम नेपाली समझ रहे हो ना, या उससे थोड़ा आगे बराबर, यही जाओगे तुम बराबर ना, लड़कियां हो सकता है यूरोप चले जाए घर का घूमने के लिए, 5 लाख और पकड़ लो, पर तुम समझो ना पहले 5-7 साल बहुत हो गया, 10 साल तुम्हारा सारा खत्म हो जाता, तुमने जितना सोच रखा है सब खत्म हो जाता, इसके आगे ना तुमको समझ ही नहीं आता तुम पैसे का करोगे क्या, इसके बाद सब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, 32 इंच का टीवी को 55 ला लोगे, 2 BHK को 3 BHK कर लोगे, समझ आ रही है बात, तुम सिर्फ इसके बाद मल्टीप्लीकेशन करोगे, उसके बाद में 1 प्रॉपर्टी के बाद 2 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी के बाद फार्म हाउस के बाद तुम बोलोगे साला और क्या लेने का है, शेयर्स ले लोगे, यूलिप्स ले लोगे, 1 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी ले लोगे, अब करोगे क्या, दिन भर तो सुबह 7 बजे से रात में 10 बजे तक ऑफिस में रहोगे, उड़ाओगे किधर, बट हाँ एक बात समझो, ये कोर्स तुमको देगा, बट हाँ एक और बात है जो इस चीज के साथ आती है, और वो ये कि आगे के 30 साल अगर तुमको मजे से चलने हैं ना, तो ये 3 साल की ना ऐसी तैसी पूरी करानी पड़ती है, इस 3.5 साल ऐसी तैसी पूरी करानी पड़ती है, कोविड वाला टाइम था साहब, सिर्फ 3 प्रोफेशन ऐसे थे जिसको बाहर निकलना अलाउड था, पुलिस, डॉक्टर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दिस इज योर वैल्यू, समझ आ रही बात, सीए बनते ही ना तुम्हारे को इंस्टीट्यूट की तरफ से कार्ड मिलता है, यू आर कंसिडर्ड एज गुड एज ए कैटेगरी ऑफिसर, 2 से 3 बार टोल नाके पे ऐसा हुआ है, मैंने लिटरली ऐसा कार्ड निकाल करके दिखाया, कार्ड में लिखा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड बाय सेपरेट एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, टोल वाले को समझ में ही नहीं आया, उसको लग रहा पार्लियामेंट से कुछ है पावर है वे तुम्हारा, तुमको ए कैटेगरी ऑफिसर्स पे काउंट किया जाता है, तुम्हारे हाथ में पावर है, एक बैलेंस शीट को किधर घुमाना है ये तुम्हारे हाथ में है, समझना, एक बैलेंस शीट को किधर घुमाना है तुम्हारे हाथ में, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे जाएंगे ये तुम्हारे हाथ में है, कंपनी क्या स्टेटमेंट देगी ये तुम्हारे हाथ में है, सारा तब तक छोड़ने का नहीं और अपने आप को बख्शने का नहीं जब तक के घर के बाहर की नेम प्लेट चेंज ना होकर के तुम्हारा नाम ना आ जाए CA-, तो तब तक अपने आप को बख्शने का ही नहीं, ईमानदारी से बोलता हूं 4.5 साल तुम्हारी हालत कुत्तों की जैसी रहेगी, कहां खा रहे हो, कहां बैठ रहे हो, किधर सो रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आएगा तुमको और एकदम फ्रस्ट्रेटेड फील होगा, क्यों, क्योंकि तुम दिन भर ही इधर बैठे हो, कॉलेज है नहीं, इधर उधर देख सकते नहीं, समझ आ रहा है, और बाकी कुछ बचता नहीं, समझ आ रही है बात, क्योंकि सुबह जब तुम उठोगे ना डायरेक्ट ऐसे उठोगे और रात में जाके डायरेक्ट ऐसा आएगा चद्दर खत्म,
लड़कियां तो भी रूम साफ कर लेंगी, लड़कों